वेलकम बैक टू चैनल गाइस, दिस इज होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं मोर्स। तो गाइस, जो हमारी सीट्स थी वो गाड़ी से निकल चुकी हैं, तो अब प्रोसेस जो चल रहा है पूरी सीट्स को डिसमेंटल करने का, जिसमें जो साइड्स वाले पार्ट होता है प्लास्टिक का उसको हटाने का, नीचे वाले और जो पुराने स्टिचिंग है उसको खोलने का, ताकि जिसमें बकेट हो सके। तो चलिए आपको वीडियो आगे दिखा। भैया आपका नाम क्या है? शिवा नाम। शिवा, तो शिवा जी क्या कर रहे हैं अभी? हम ये सीट बना रहे हैं, अभी सिस्टम खोल रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज खुलती है? ये चार में खुलते हैं, अलग होते हैं। जी अच्छा, ये सीट अलग होती है इस स्टैंड से? अच्छा अच्छा, इसमें कितना टाइम लगता है? लगभग एक घंटा लग जाता है एक सीट में। सर मैं यहाँ पर एक सीट में प्रॉपर सीट कवर करने में। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये सीट पूरी निकल के बाहर आएगी। हाँ जी, बाहर आपने नोटिस किया होगा कि इस सीट को खोला नहीं जाता है, बस काटा जाता है एंड देन दे विल फिट। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि जब सीट ये वाली खुल जाती है ना, तो सर इसकी जो बकेट बनती है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल बनती है। मैंने देखा लोग गाड़ी में रखे ही रखे रखे हैं। और जैसे कि आपकी स्पेशल डिमांड का आपने बोला था कि आपको थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ जी, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि हमने 1-1 इंची हमने यहाँ से थाई सपोर्ट, और ये उससे बहुत रिजेंबल कर रहे थे XUV 500 में। बिल्कुल, XUV 500 फॉर्च्यूनर इन सबके अंदर ही आता है। अभी आपकी जब हम फिट करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा फोम पैडिंग भी करेंगे जो सॉफ्टी फोम से होगी, तो बिल्कुल ये कंफर्टेबल हो जाएगी नेक्स्ट लेवल। ठीक है भैया, और लगभग मैं एस्टिमेटेड टाइम कितना एक्सपेक्ट करूं कि पूरी गाड़ी, मतलब अच्छे काम के लिए हम 3-4 घंटे हर एक कस्टमर को बोलते हैं, और ये तो अपने घर की गाड़ी है तो कम से कम 6 घंटे मान के चलो। और भाई अच्छे काम के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए पैसे और टाइम दोनों लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल, तो भैया इसमें पहले पुरानी स्टिचिंग हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि खराब हो चुकी है इस वजह से। और जिस गाड़ी की ठीक है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, वो तब भी हटाते हैं, उसको लगाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर लग जाता है। तो खाली स्टीयरिंग कवर कस्टमाइजेशन सिलने में लमसम कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के आसपास। और जो बेसिक कवर होते हैं OEM नहीं होते नॉर्मल, वो 10 मिनट। लाइफ इनकी कितनी होती है OEM वाले की? 5-5 साल। आज तक वो कोई कंप्लेंट वगैरह, कोई इशू, स्वेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। और ये जैसे हम बूस्टिक से लगाते हैं पहले, जी, फिर स्टिच कर देते हैं, जी, तो बूस्टिक की कोई स्मेल वगैरह तो गाड़ी में नहीं रहती? नहीं। पांच के बाद उतारेंगे भी ना, जैसे बूस्टिक लगा के उतारते हुए ओरिजिनल कवर, बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा वो। अच्छा, वो साफ हो जाता है बूस्टिक? हाँ जी, जैसे आप था पहले वाला। अच्छा, मतलब इसमें ग्लू स्टिक हो गए, खराब नहीं होती? खराब नहीं होती, तो वो ऐसे चीज उतर जाएगी। और बूस्टिक में देखे शायद ये सिलिकॉन टाइप बन जाती है, सूख के ना, तो एज इट इज उतर जाएगी। आपके लिए स्पेशल, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत स्पेशल ऑफर है। जिन लोगों को भी स्टीयरिंग कवर करवाना है कस्टमाइज OEM जिस भी स्टाइल का, वो हम डाबड़ी से विदिन 10 किलोमीटर की रेंज में, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के कोई चार्जेस नहीं होंगे, और जो भी प्राइस हो बहुत स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस के अंदर आपको साहिल भाई बता देंगे कॉल पे। तो भाई आपका घर पे जाके, आपके घर में जाके फिट करके आएंगे। तो भैया आप जो हमारा OEM वाले हैं उसके अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर रहे हैं, मतलब कटिंग कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? संतोष। तो संतोष जी, जैसे ये हमारा जो इंटीरियर है उसके डिजाइन में हमने स्टीयरिंग से भरा, अपने डिजाइन में, तो जो कस्टमर है वो किसी भी डिजाइन में जो उसको पसंद हो उसमें हो सकता है। और अगर किसी को अपने घर आके से वो करवाना है स्टीयरिंग सीट, घर पे लगा देंगे, तो उससे पहले एक बार उसको कॉल पे आप व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर देंगे कौन सा डिजाइन है, क्या है गाड़ी, कौन सी है, और कितना टाइम कस्टमर को पहले बताना पड़ेगा? कम से कम 1 घंटा पहले बताना पड़ेगा। 1 घंटा पहले बता देंगे तो मनचाहा बन जाएगा स्टीयरिंग कवर। तो भाई कुछ ये कुछ मेरे सीट्स का भी अपडेट है, काम चल रहा है।
ये हमारी को पैसेंजर साइड जिसकी भी ऊपर का हिस्सा लग चुका है और ये भी नीचे वाला लग रहा है। ये भैया हमारे ड्राइविंग सीट, ये भैया ड्राइवर सीट प्रिपेयर करो ना, और ड्राइवर सीट के फॉर्म बहुत दब गई। ड्राइविंग सीट है, इसमें क्या स्पेशल कर रहे हो फिर? इसमें आपकी हमें थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा बनवाई है, ठीक है। थाई सपोर्ट हमने एक्स्ट्रा जो बनवाई है उसको हमने आधे इंच जगह एक इंच का मार्जिन दिया है, क्योंकि जो पुरानी गाड़ी होती थी इसके अंदर सीट्स पहले से बैठ जाती है, जैसे आपकी 11-12 मॉडल है, तो उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर डबल पैडिंग फॉर्म करा रहा हूँ, जो कि मैं आपके साइड से भी करा रहा हूँ, साइड सपोर्ट भी साथ में, आगे जो थाई सपोर्ट है उसमें एक्सटेंड करा के इसके अंदर मैं सॉफ्टी फॉर्म डलवा रहा हूँ 14mm की। एक 18mm की आती है, ये नॉर्मल 14mm की फॉर्म है। इसमें डबल पैडिंग कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं बड़ी फॉर्म डाल दूंगा तो वो आपकी फिक्स नहीं आएगी, आपका सीट कवर फटने के चांसेस हो जाएंगे। इसमें डबल पैडिंग फॉर्म करूंगा तो उससे और अच्छा कंफर्टेबल आएगा और थाई सपोर्ट अच्छा बनेगा। तो ये तो कभी नहीं दबेगी जैसे कंपनी की दब जाती है? सर बिल्कुल नहीं। कुछ और गारंटी वारंटी क्या है हमारी सीट कवर की? गारंटी वारंटी देखो, सीट कवर हमारी फटने की होती है, कोई भी स्टिचिंग उधरे फटे सीट कवर 2 साल के अंदर रिप्लेस करके देंगे आपको। रिप्लेस रिपेयर नहीं है? रिपेयर अब तो हम सर कुछ नहीं है, अगर हमारे पास वैसे हम औरों की तरह ऐसे कस्टमर को झूठ नहीं बोलते कि आज तक कंप्लेंट नहीं आई। कंप्लेंट सर देखो हर किसी के काम में आती है, हर किसी के काम में आती है। उसमें ये नहीं है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करा जाएगा, कस्टमर आएगा कस्टमर को बोला जाएगा नहीं भैया आप कल आ लो, भैया आप परसों आ लो, मैं इसको तब आके आपको ठीक करा के दे दूंगा रिपेयर करा, नहीं भैया आओगे ऑन साइट में उतारूंगा रिप्लेस कराऊंगा, मेरे पास 10 गाड़ी खड़ी है, पर कस्टमर जिसकी कंप्लेंट होगी उसको पहले सुनवाई हो। और सबसे मेन आप कितने भी बढ़िया सर्विस दे लो, अगर आपके आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया नहीं है तो आप सब जीरो। सर हम कुछ नहीं। तो गाइस ये है कुछ हमारा OEM स्टीयरिंग, अभी इसमें हॉर्न पैड इसमें नहीं लगाया, हॉर्न पैड पे भी कोई कपड़ा छटने गया है, बाकी आपको फिनिशिंग वगैरह मैं दिखा दूँ A to Z, कहीं से भी नहीं लगेगा कि बाहर से चीज़ करा हुआ, एकदम OEM वाला है। और बाकी अगर हॉर्न पैड लग जाएगा तो बिल्कुल ही जो प्रॉपर छोटे मोटे ये चीज़ें सब अंदर आ जाएंगी इसे बाहर है। साहिल भाई जो जो हमारी गाड़ी में काम हुआ है वो एक बार हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दो, कौन से लेदर में हुआ है, क्या उसकी गारंटी वारंटी है, क्या प्राइसिंग है, और अगर कोई किसी को सेम काम कराना हो किसी और गाड़ी के लिए तो लमसम कितना वो टाइम एस्टिमेट करके आए? सर देखिए हमने आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा लगाया है, क्योंकि आपकी गाड़ी की ज़्यादा अभी ईयर भी बची बची, तो हमारी मतलब प्रायोरिटी ये थी कि जो भी हमें काम करना है वो अंडर बजट करना है, बजट करना है, और ऊपर से फिर ये भी है कि बढ़िया काम करना है, क्योंकि सर अगर हमने आपको डर्बन शीट भी रिकमेंड कर देता वो पहली बात हम कॉस्टली पड़ते, और जो कम्फर्ट लेवल हमने आपको इसमें दिया है वो सेम उसमें मिलता, तो नॉट अ बिग डील कि हमने ये आपको लेदर चूज़ किया है। और इसके अंदर हमने आपको गियर बूट किया है, आपका गियर नाव आपने मना कर दिया एज यूजुअल बिकॉज उसमें नंबर नहीं आ पा रहे थे, और इसके अंदर हमने आपका कस्टमाइज स्टीयरिंग कवर किया है विद हॉर्न पैड, हॉर्न पैड भी हमने आपका सेम वही वाला कपड़ा लगाया है ब्राउन कलर का लेदर वाला, और हमने इसमें आपके फुल कास्ट सीट्स कवर करें, आगे थाई सपोर्ट पर पैडिंग करी है, आगे पूरा कंफर्ट डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर, और सर आपका आई थिंक ये मैंने काम किया, बाकी आपका जो हैंड रेस्ट है वुडन वाला उसको हमने कुछ कस्टमाइज कर रहे हैं, हमने इसमें अपना जो सेम कपड़ा है सेम टेक्सचर में सेम कलर में हमने उसको भी आपको, और पूरी गाड़ी की क्या एक लुक निकल के आ रही है वो आपको वीडियो के लास्ट में सिनेमैटिक्स में पता लग जाएगा। गाइस ये कुछ अपना इंटीरियर है, फाइनल जो लुक जो आपसे निकल के आई है वो है ये, आप देख सकते हैं हेडरेस्ट वगैरह की, और ये स्टिचिंग साइड में थोड़ा सा फोम यहाँ पर भी लगाई गई, और इसकी जो ओरिजिनल सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा दब गई थी क्योंकि इतनी गाड़ी पुरानी हो गई थी, तो यहाँ पर भी उसने सॉफ्टी फोम लगाई है, और ये एक्सटेंडेड थोड़ा सा तो लुक एंड फील काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी की। और ये है कुछ हमारा स्टीयरिंग व्हील, देख सकते हैं आप, मैं भाई एक इसका Hyundai का लोगो ढूंढ रहा हूँ छोटा सा, आपकी गाड़ियों में आता है Hyundai की में, जो मुझे कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा, अगर भाई किसी की भी कोई रेफरेंस है या जो भाई अवेलेबल करा सकता है प्लीज़ मुझे Instagram पर DM कर देना, मैं हर जगह पता कर चुका, मुझे नहीं मिल रहा है। और ये इसका गियर का कपड़ा देख सकते हैं, और ऐसा ही एक आर्मरेस्ट नेक, इसका भी था नेक पिलो जो कि पीछे कहीं पड़ा होगा, और ये पिलो का डिजाइन देख लीजिए बिल्कुल सीट कवर से मैचिंग है, और स्टिचिंग की क्वालिटी और कपड़े की क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है। देन ये है हमारी बैक से कुछ लुक, भाई वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो, और अपने भाई के साथ स्टर्लिंग प्रीमियम कार सीट कवर को भी अंदर प्यार दिखाना। टिल देन बाय।